नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वेतन तिवारी स्वागत करता हूँ सभी का आपके अपने चैनल रेलवे ब्रॉडकास्ट में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के ऐलान के बाद भारत में जल्द से जल्द अनेकों वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाने की तैयारी है, जो कि भारत के हर राज्य को एक दूसरे राज्य से जोड़ेंगे। दोस्तों, इसी कड़ी में एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आज, जिसमें दोस्तों बताया जा रहा है कि एक और नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जल्द ऐलान हो सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको उसी वंदे भारत ट्रेन से जानकारी दूंगा, जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि आखिर वो नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का रूट क्या होगा, वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी, उसका परिचालन कब तक शुरू हो जाएगा, ये नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस राज्य को मिलेगी, और भी इसी तरह की दोस्तों कई महत्वपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो में जानने को मिलेगी। इसलिए दोस्तों, हर महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग हर जानकारी को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, और दोस्तों अब भारतीय रेलवे वंदे भारत ट्रेन के नए संस्करण को उतारने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि देश में इस तरह की यह तीसरी रेल होगी, और इसे 12 अगस्त को चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी कि ICF से परीक्षण के लिए रवाना किया जाएगा। दोस्तों, मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि इस ट्रेन के नवम्बर से दक्षिण भारत में एक विशेष मार्ग पर चलने की संभावना है। दोस्तों, रेलवे के सूत्रों के अनुसार सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो कि 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की से चलने की क्षमता रखती है, इसका परीक्षण 15 अगस्त से पहले शुरू कर दिया जाएगा। और दोस्तों, बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई से ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। हालांकि दोस्तों, सरकार की तरफ से अभी इसकी अभी पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन दोस्तों वंदे भारत के नए संस्करण का परीक्षण राजस्थान के कोटा से मध्य प्रदेश के नागदा खंड तक किया जाएगा। दोस्तों, ट्रेन की परीक्षण गति 100 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। दोस्तों, 2 से 3 परीक्षणों में सफलता के बाद नई वंदे भारत ट्रेन को वाणिज्यिक संचालन के लिए मंजूरी दी जा सकती है। दोस्तों, रेलवे ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के अनुरूप 15 अगस्त 2023 तक वंदे भारत की 75 ट्रेनें पटरियों पर दौड़ना शुरू कर देंगी। और दोस्तों, ICF की हर महीने 6 से 7 वंदे भारत रैक यानी कि ट्रेन की उत्पादन क्षमता है, और इस संख्या को बढ़ाकर 10 करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, इसके अलावा वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री और रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्ट्री में भी किया जाएगा। और दोस्तों, सूत्रों ने बताया कि नई वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों के लिए सुरक्षा और आरामदायक सुविधाओं समेत कई पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। वर्तमान में दोस्तों वंदे भारत ट्रेन का संचालन दिल्ली से कटरा और दिल्ली से वाराणसी के बीच किया जा रहा है। तो दोस्तों, यही थी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से लेटेस्ट अपडेट। आपको अपडेट कैसे लगे वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।